हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बच्चे का स्वेटर। ये बॉय के लिए है, लड़के के लिए स्वेटर है, और ये है 2 से 3 साल तक के बच्चे को, इसको आराम से पहना सकते हैं। 3.5 साल तक का भी आराम से बच्चा ये पहन सकता है। और इसमें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए साइड बटन पट्टी दी हुई है, अंगरखा स्टाइल का है ये स्वेटर, और इसमें राउंड नेक है ऊपर, और ये देखिए इसको इस तरह से, और यहाँ पे फुल बाजू हैं, और इसके आगे पीछे सब जगह मैंने डिज़ाइन डाला हुआ है इसमें। और ये इसको आराम से आप 3 से 3.5 साल तक के बच्चे को भी आराम से पहना सकते हैं। ये अच्छे से मतलब खुला खुला बना हुआ है, और इसमें कितने फंदे मैंने रखे हैं वो सब मैंने आपको आगे वीडियो में बताया हुआ है। और इसको चलिए फ्रेंड्स, तो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसको बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ जो घंटे का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। और इस डिज़ाइन की जो वीडियो है ना, जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है चैनल पर, तो अगर आपने ये डिज़ाइन ही फॉलो करना है तो उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने इसको बताया हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन अगर आपने अलग से देखना है तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर के लिए मैंने देखिए ये बनाए हैं, पीस बना लिए हैं इसके, अगला पार्ट और पिछला पार्ट ऐसे बना के रख लिया है। और यहां पर ये देखिए इस तरह से, देखिए, और ये है इसकी बाजुएं, और इसी तरह से मैंने दोनों बाजुएं भी इस तरह से तैयार कर ली हैं। तो इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ, और इसका जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, वो मैं वीडियो जो है डिज़ाइन की अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको डिज़ाइन यही वाला डालना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ पे आपको जो आगे बनाऊंगी तो साथ साथ वो भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से मैं बना रही हूँ ये। और यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कि इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये है इसका एक फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और इसकी आर्म। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल है मेरे पास 9.5 है ये यहाँ पर। और इसका जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये यहाँ पे 2 इंच के करीब इसका बॉर्डर है। और ये डिज़ाइन के साथ भी आप इसको लेंगे तो डिज़ाइन के हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं कि कितना डिज़ाइन मैंने आर्म होल तक की इसकी लेंथ जो है मैं बना चुकी हूँ, और आगे का मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको यहाँ तक बनाना, तो इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया। बाकी कई वीडियो और वीडियो में मैं इसे शेयर भी कर चुकी हूँ, स्टार्टिंग से बनाना कई वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिए थे नीचे से 70 फंदे, 70 स्टिचेस जो हैं मैंने यहाँ से लिए थे। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने 5 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं इसमें डिज़ाइन के लिए, इसमें थोड़ा चौड़ा करने के लिए इसको, क्योंकि ऊन थोड़ी बारीक है। अगर ऊन आपके पास मोटी है और सिलाइयाँ आप चेंज कर रहे हो बॉर्डर के बाद, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बिना फंदे बढ़ाए, लेकिन मैंने 5 फंदे यहाँ पे बीच में बढ़ा लिए हैं इसके बीच में, तो 75 फंदे यहाँ पे हो गए हैं मेरे पास। सेम यही, ये दोनों ही देखिए इस तरह से हैं, ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और इसकी आर्म। तो इसकी आर्म इस तरीके से बनाई है। इसमें यहाँ पे 40 फंदे नीचे रखे हैं मैंने, 40 फंदे रखे हैं, और जितना बॉर्डर मैंने ये नीचे का बनाया है 2 इंच का, उतना ही मैंने ये भी बनाया है। और उसके बाद मैंने 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस डिज़ाइन को सेट करना था और 2 फंदे यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे। वैसे ज़रूरत नहीं थी एकदम से, लेकिन डिज़ाइन के लिए सेट करने के लिए मुझे 2 फंदे जो हैं एज के लिए साइड पे चाहिए थे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बढ़ा लिए थे। बाकी मैं फिर इसका थोड़ा सा बनाने के बाद आगे इसको हर तीसरी सिलाई में मैंने यहाँ पर, तीसरी या चौथी सिलाई में मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमने यहाँ पे कर लिए हैं 70 फंदे। इसमें भी मैंने यहाँ पे जितने फंदे इतने इसमें जो हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के नीचे के बॉर्डर में 70 फंदे हमने लगाए हैं, उतने ही फंदे मैंने यहाँ पे ऊपर इसमें कर लिए हैं। तो अब हमने ये दोनों बाजू ही मैंने सेम ऐसे बना ली हैं। अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो पहले आप ये सारे जो पीस हैं वो तैयार कर लें, अपने चारों बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजुओं के जो पीस हैं उनको तैयार कर लें, फिर हमने इसको एक ही सिलाई में डालना है सबको।
ये या तो आप सर्कुलर निडल में डाल लें, या आपके पास अगर बड़ी सिलाई है, जो बड़ी वाली सिलाइयाँ होती है ना, वो है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से जो आती है ना, सर्कुलर निडल आती हैं, उनको आप उसमें भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो इस तरीके की रहती हैं वायर वाली, जिसको कुछ लोग वायर वाली भी बोलते हैं, तो आप इसमें भी इनको डाल सकते हैं, ताकि हमें ये इजी हो जाए आगे बनाना। तो इसको फिर हम ऊपर से आर्म होल के बाद हम इसको इकट्ठा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक आर्म होल की कटिंग नहीं करी है, ऊपर मैं रेगलॉन कटिंग करूँगी और उसमें गले का थोड़ा डिज़ाइन बनाऊँगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो चलिए फिर इसको आगे एक सिलाइयों में इनको डाल लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है ना इनको डाला है। तो यहाँ पे एक बार ये बता दूँ कि पहले हम ये अपना एक पीस डालेंगे, फ्रंट वाला डाल लें, फिर उसके बाद बाजू, फिर बैक वाला, फिर लास्ट में इस तरफ को जो है ना बाजू दोबारा डालेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू आएंगी ऐसे करके, ये ऐसे सिलाइयों पे आप डालेंगे। पहले आप सेंटर में इसको रख लें, फिर इसको डाल लें, फिर बैक वाले को डाल लें, फिर बाजू को डाल लें। तो इस तरीके से हम इनको सिलाई में डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आ गया है। एक ही सिलाई पे मैंने सारा ये इस तरह से सर्कुलर निडल में डाल दिया है इन सबको। तो यहाँ से ना अब हमने इसको इस तरह से बनाना है कि इस यहाँ से पूरा ये, यहाँ पर मैं साइड से इसमें बटन पट्टी रखूँगी, यहाँ पर ऊपर जैसे अंगरखा स्टाइल होता है ना, वैसा इसको बनाऊँगी एक साइड से। तो इसको हम यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, और एक ही सिलाई में यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो ज्वाइंट आएंगे ना, यहाँ पर हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर कटिंग करेंगे। जो घटाई होती है ना, वो हम यहाँ पे डालेंगे चारों तरफ। तो एक एक मार्कर यहाँ पे हमने लगा लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने मार्कर जो है वो डाल दिए, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना, ये जहाँ पे बाजू का ज्वाइंट, यहाँ पे बीच के पल्ले का ज्वाइंट, ऐसे करके यहाँ पे मैंने मार्कर जो है वो लगा दिए हैं। तो अब हमने ना इसको आगे बनाना है। देखिए सबको सिलाई पे डाल तो दिया है, उसके बाद अब यहाँ पर ना हम रखेंगे ये जो एक फ्रंट पार्ट है इसका, इसको मैं फ्रंट पार्ट में ले रही हूँ। यहाँ जो फ्रंट पार्ट है इसकी, यहाँ पर हम रखेंगे बटन पट्टी। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये बटन पट्टी हमने किस तरह से रखनी है, ये यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे, दो हो गए, उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करेंगे, और उसके बाद आठ फंदे उल्टे बुनेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ, यहाँ पे आठ फंदे ये हो गए उल्टे। उसके बाद आगे जो जैसा डिज़ाइन आ रहा है ना, जैसा डिज़ाइन इस पे जा रहा है, उसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पर सेट करते जाना है। यहाँ पे जो आप जो भी डिज़ाइन डालेंगे, चाहे ये वाला डालते हैं, तो आप अगर पूरे उसमें डाल रहे हैं, तो आप इसको जैसे जैसे आपका डिज़ाइन आता जा रहा है, वैसे वैसे आप इसको सेट करते जाएं। तो यहाँ पे ये वाली सिलाई मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। तो आगे के जो फंदे हैं ना, इनको मैं यहाँ पर सीधा ही बुनती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये वाली जो डिज़ाइन है, इसमें यहाँ पर सेट नहीं होगा। उसके बाद ये चार फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है, और उसके बाद आगे ये डिज़ाइन आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए छह फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छह, छह फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन दिए। अब आगे हम डालेंगे ये वाला डिज़ाइन, जो हमारा ये साइड वाला डिज़ाइन है। तो ये मैं ऑलरेडी उस पर शेयर भी कर चुकी हूँ, एक वीडियो डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे दो फंदों के बीच में से हमने एक फंदा निकालना है, और ये जो दो फंदे हैं, इनको बैक लूप से हमने इस तरह से इकट्ठे बुन लेना है। तो फिर से हमारे ये दो फंदे हो जाते हैं, और इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। आगे का जो है उसको भी ऐसे ही करना है। ये चार फंदों पर डिज़ाइन यहाँ पे सेट होगा। तो देखिए बीच में से मैंने निकाला, एक लूप निकाला, और ये जो दो फंदे हैं इनको एक साथ इस तरह से लेते हुए इन दो का हमने एक कर दिया इस तरीके से। उसके बाद फिर से आगे छह फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पांच,
तो इस तरह से ये छह फंदे सीधे होके आगे के चार फंदे हैं, इनके ऊपर हमने डिजाइन सेट करना है। ये डिजाइन जो है 10 फंदों का डिजाइन है फ्रेंड्स, और ये देखिए ये दो जो है इस तरीके से हम इनको ऐसे ले लेंगे। बहुत ज्यादा आसान है ये डिजाइन और अच्छा लगेगा अगर आप ये डालेंगे तो। इसी तरह से देखिए, अब आगे फिर से हमने यही डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। छह फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 छह, छह फंदे सीधे, आगे के चार फंदों के ऊपर डिजाइन सेट करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स ये सारी सिलाई जो है ना इसको ऐसे ही बनाना है, और अभी तक हमने 2-3 सिलाइयां जो है उनको ऐसे ही बना लेना है। 2 सिलाइयां तो ऐसे ही बनेंगी, एक उल्टी और एक सीधी। उसके बाद हम यहाँ पे रेगलॉन डिक्रीज जो है वो करेंगे, यहाँ पे रेगलॉन कटिंग डालेंगे हम यहाँ पर, जो हमने ये फंदा यहाँ पे ये मार्कर यहाँ पे लगाया है इस जगह पे। तो इस सिलाई को मैं ना ऐसी बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी सिलाई ऐसे शेयर करेंगे तो कोई फायदा नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और डिजाइन आप एक बार डिजाइन वाली वीडियो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर समझ आ जाता है तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। तो इसी तरह से ये डिजाइन डल गया। अब फिर से सेम हम रिपीट करेंगे, तो मैं ये सारी सिलाई ऐसे लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ दोबारा से कैसे हमने इसको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए, अब इसके किनारे पे पहुंच गए यहाँ पर, और ये देखिएगा इस साइड को, ये है इसका फ्रंट पार्ट। हमने यहाँ पे रखी थी पट्टी, अगली गले की पट्टी हमने यहाँ पर रखी थी, और यहाँ पर भी अब हमने, ये है एक बाजू का, बिल्कुल बाजू किनारे पे, तो यहाँ पर भी हम एक पट्टी रखेंगे। तो वो हम किस तरह से रखेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। और अभी फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई जो है इसको हमने ऐसे ही पूरी सिलाई मैंने बनाई है, और ये मार्कर भी यहीं पे अभी रखे हुए हैं, क्योंकि इन जगह पे हमने रेगलॉन कटिंग करनी है, जितने ज्वाइंट हैं इसके किनारे पे। तो यहाँ पर हम पट्टी जो है ना, बटन की पट्टी अब हम इस साइड पे रखेंगे, तो इसको ऐसे आगे को लेके आएंगे, तो वो हमने रखनी है इसी के नीचे। ये पट्टी हमने यहां पर रखी है, देखिए यहां पर इसके बिल्कुल बैक पे हमने यहां पर यहां से पट्टी उठानी है यहां पे। तो यहां पे फ्रेंड्स देखिए, यहां से हमने इसके 10 फंदे यहां पर उठाने हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए दोनों तरफ से जो होती है ना डबल साइडेड नीडल होती है ना, जो वो वाली मैंने यहाँ पे गले वाली सिलाई मैंने यहाँ पे ली है। आप चाहें तो इस पे भी उठा सकते हैं, इसके साथ भी उठा सकते हैं, लेकिन इसको मैंने इसी साइड से उठा रही हूँ ना, तो यहां से मैं इनको इस तरह से 10 फंदे जो हैं वो उठा लूंगी। इसी साइड से इसी निडल से बुन लेना है। तो यहां पे देखिए इस तरह से बिल्कुल बैक से हमने इनको उठा लिया, ठीक है। तो अब हमने इसी से ही ये इसी सिलाई पे इनको ले लेना है। मैं इनको सीधा सीधा यहां से बुन रही हूं। और यहां से हमारी ये बटन पट्टी जो है वो स्टार्ट हुई है, तो इसको ना यहां पर हमने एक मार्कर लगा लेना है। ये मार्कर हमने इसमें लगा के रख लिया ताकि इसकी अभी निशानी हो जाए। शुरू शुरू में थोड़ा सा रहेगा, जब थोड़ा सा बनना शुरू हो जाएगा ऊपर तक, फिर ऊपर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर सामने दिखना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे हमारी ये रेगलॉन कटिंग हो रही है, कहाँ से हम घटाई कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आप कोई भी मार्कर यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये 10 फंदे हमने अपने यहाँ पे इस तरह से ले लिए।
तो ये हमारी इस तरीके से आ गई। लेकिन अब फ्रेंड्स हमने वैसे तो ये सीधी साइड से ही बुनना होता है क्योंकि हमारी ये सर्कुलर निडल में हमने इसको डाला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बटन पट्टी बना रहे हैं ना, तो इसको अब हम यहाँ से ही घूम जाएंगे, इसी साइड यहीं से उल्टी साइड को मुड़ जाएंगे, और जैसे हम नॉर्मल सिलाइयों पे निटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से हम इधर से निटिंग जो है वो करेंगे। थोड़ी दूर तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब तक ये बिल्कुल टाइट है तब तक, फिर बाद में हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फंदों को हमने इस तरह से बुन लेना है यहाँ से। अभी ये सारी सिलाई हमारी उल्टी है, उल्टी साइड पे इस तरह से, पहले डिजाइन की सिलाई थी लेकिन डिजाइन जो है वो सीधी साइड से ही डलेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया पिछली सिलाई में, मैंने आपको फर्स्ट जो रो बनाई उसमें मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरह से हमने डिजाइन डाला, तो वो डिजाइन जो है ना सीधी साइड पे ही डलेगा, उल्टी साइड पे हमारा कोई भी डिजाइन नहीं डलेगा, बिल्कुल सारी सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी बन के ही खत्म होगी। तो ये सिलाई मैं भी बना लेती हूँ इसी तरह से। अब मार्कर जो है इसको हम इधर को शिफ्ट कर लेंगे इस साइड को, और यहां से हम अपना धागा मोड़ेंगे और इसको हम ये, अब हमने इसको दूसरी सिलाई से ही बनाना, जो हमारी सर्कुलर निडल है उसी से ही हमने इसको बनाना शुरू कर देना है यहां से। तो यहाँ किनारे पे थोड़ा सा टाइट करके ले लें क्योंकि अभी हमारी रेगुलर कटिंग हम नहीं डाल रहे हैं, तो इसी तरह से ये सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी जाएगी। इसको मैं बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने किस तरीके से बटन होल बनाने हैं और इस पट्टी को हमने कैसे ऊपर तक लेके जाना है, और इसके आसपास हमने रेगुलर कटिंग भी करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम आगे यहाँ पर जो हमारी बटन पट्टी है ना उसके पास हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है हमारी बटन पट्टी के ये इस तरह से 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 फंदे हैं हमारी बटन पट्टी के। तो इनको देखिए अब हमने किस तरह से यहाँ पे बुनना है, ये उल्टी साइड पे है, ये मैंने एक सिलाई दूसरी लगा रखी है यहाँ पर ये दूसरी साइड की बटन पट्टी के लिए। तो ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे, लेकिन लास्ट के जो दो फंदे हैं ना उनको देखिए हमने किस तरह से बुनना है। ये एक दो सिलाइयाँ थोड़ी सी टफ होंगी यहाँ पर, थोड़ा टाइट है इस करके, लास्ट के जो दो फंदे हैं ना उनको हमने नहीं बुनना, ये एक है और ये लास्ट के दो फंदे हैं, इनको हमने ऐसे स्लिप करना है ये इस तरह से। तो अब हमने ना यहीं से ही वापस मुड़ जाना है, हमने इसको राउंड में नहीं बनाना, यहीं से हमने वापस मुड़ जाना है, यहीं से उल्टी सिलाई हमारी सारी खत्म हो गई, अब हम इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं। और अब फ्रेंड्स हमने इसमें रेगुलर कटिंग भी करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा अब हमने बटन पट्टी से ही स्टार्ट करना है इसको दोबारा से। तो यहाँ पर ये जो दो फंदे हैं जो हमने अभी ये स्लिप किए हैं दो फंदे, इनको अब हमने बुन देना है सीधा, तो यहाँ पे हमारी बटन पट्टी की जो शेप है ना वो अच्छे से आ जाएगी इस तरह से। अब धागे को अपनी तरफ को करना है और बाकी के 8 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन देना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए यहाँ पर। तो ये सिलाई जो है इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे रेगुलर कटिंग करनी है, तो बटन पट्टी के एकदम से बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने धागे को पीछे करना है और इस फंदे को ऐसे घुमा के लेना है और ये दो फंदे जो हैं इनको ऐसे करके दो फंदों का यहाँ पे एक कर देना है। ये सिंपल वाली कटिंग यहाँ पे हो रही है, बाकी जो है उनको
डिज़ाइन के हिसाब से हमने आगे बुनना है। जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है ना, वैसे ही हमने इसको ऐसे बुनते चले जाना है। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब आगे हम डालेंगे यहाँ पे डिज़ाइन अपना। तो ये है हमारा डिज़ाइन का, ये डिज़ाइन आगे जाएगा। तो ये पहले के दो फंदे हैं, इनमें से हमने एक लूप निकालना है इस तरह से, और अब इन दो फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ बुन देना है पीछे को, इस तरह से बैक लूप से एक साथ यहाँ पे बुन देना है। फिर अगले दो फंदे हैं, इनमें से भी हमने ऐसे लूप निकालना है, और ये जो दो फंदे हैं इनको भी हमने इस तरह से बैक लूप से एक साथ बुन देना है यहाँ पर। इस तरह से, और ये एक फंदा है इसको उल्टा बुनना है, क्योंकि ये जो हमारी ये जैसे इस तरह से ये डिज़ाइन है ना, ऐसे तिरछा होता जा रहा है, तो एक फंदा इधर को बढ़ रहा है और इधर को हमारा यहाँ पे एक एक फंदा इस साइड को बढ़ रहा है, एक साइड को हम इस साइड को बढ़ा रहे हैं ऐसे करके इनको। तो यहाँ पे एक फंदा रह जाता है पीछे, जो पहले यहाँ पे चार थे, अब यहाँ पे चार जो है वो आगे खिसक गए हैं, और ये पांचवा फंदा जो है इसको हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया। अब हम फिर से धागा पीछे कर लेंगे और यहाँ पे पांच फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेंगे। पहले हमने छह फंदे बुने थे, अब इस बार हम पांच फंदे बुनेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और उल्टी साइड पे भी सारा हमने उल्टा उल्टा करके ही इसको बनाना है। तो ये डिज़ाइन फटाफट हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये दो फंदे यहाँ पे एक साथ लेंगे पांच के बाद, ये छवां और सातवां फंदा है, इनको एक साथ लेके इनके बीच में से लूप निकालेंगे और इन दोनों को हम एक कर देंगे पीछे से। अब आगे के दो फंदे हैं, इनको हमने इस तरह से लेना है और इनको भी दो का यहाँ पे एक कर देना है इस तरह से। अब एक फंदा बच जाता है, उसको हमने उल्टा बुन देना है यहाँ पर। बस ऐसे ही ना इनको हमने बनाते जाना है। अब नेक्स्ट जो है, दो फंदे छोड़ के जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना आगे मार्कर के पास, तो जब दो फंदे रह जाएंगे वहाँ तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे दो फंदे बच गए हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे भी कटिंग स्टार्ट करनी है, रेगलोन कटिंग जो है, इसकी घटाई जो है ना, इसको यहाँ इधर भी हमने शुरू कर देना है, क्योंकि तीन सिलाइयाँ हमारी वैसे सिंपल हो चुकी हैं। तो इन दोनों का ना हमने ऐसे करके इस तरह से दो का एक कर देना है यहाँ पे, देखिए इस तरह से दो का हम एक कर देंगे। उसके बाद मार्कर को जो है इस साइड को ऐसे शिफ्ट कर देंगे और आगे जो है इस फंदे को ऐसे घुमा लेंगे, और अब इन दो का भी हम यहाँ पे एक कर देंगे इस तरह से। तो एक फंदा इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया। अब बाकी फंदे जो है ना, इनको हम वैसे ही बुनेंगे अगले ज्वाइंट तक। आगे का जो हमारा जो मार्कर आएगा ना, उस तक हमने इनको ऐसे ही बुनना है। फिर जब मार्कर आएगा हम फिर से कटिंग करेंगे इसी तरीके से। तो मैं इसको बुन लेती हूँ, अब आगे का मार्कर आएगा वहां तक मैं इसको बुन लेती हूँ, और जैसे जैसे डिजाइन हमारा आता जा रहा है हमने यहाँ पे डालते जाना है। आप चाहें फ्रेंड्स तो आर्म होल के बाद आप प्लेन भी बुन सकते हैं, और दूसरा कोई डिजाइन ऊपर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, या कलर कोई ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा अगर दो कलर का बना रहे हैं तो। और यहाँ पे तो ये इस तरह से मैं अगले मार्कर तक, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे दो फंदे रह जाएंगे, फिर एक बार और बताती हूँ आपको कि किस तरह से हमने इसको बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से आगे यहाँ पे किनारे पे जो दो फंदे रह गए हैं हमारे मार्कर के पास के, तो इन फंदों को ऐसे हमने इस तरह से पीछे से सिलाई डाल के आगे को इस तरह से दो का एक कर देना है, और मार्कर जो है उसको इस साइड को शिफ्ट करना है, और अगले जो दो फंदे हैं उनको ऐसे घुमाना है पहले फंदे को, और इन दो का भी हमने यहाँ पे एक कर देना है इस तरह से, और बाकी फंदे वैसे ही बुनने हैं जैसे आपका डिज़ाइन चल रहा है उसी तरह से इन फंदों को वैसे ही बुनते चले जाएंगे। अब ऐसे ही मैं हर मार्कर के पास इसी तरह से इसकी घटाई डालती रहूँगी, रेगलॉन कटिंग करूँगी, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी करेंगे। फिर हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे आगे जो गले की पट्टी है, तो यहाँ पर मैं आके आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरीके से बनाना है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे पहुँच के, और ये है हमारी गले की पट्टी।
इसके पास पहुंच के, ये देखिए बैक लूप से जो हमने यहाँ पे उठाए थे बैक साइड से फंदे, वहां पे हम आ गए हैं। तो ये है हमारा मार्कर, और मार्कर से पहले हमने ये दो फंदे हैं इनको हमने यहाँ पे भी रेगुलर ऑन कटिंग करनी है। तो इसी तरह से हमने इनको भी यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को एक साथ हम यहाँ पे बुन लेंगे। तो ये हो गया, तो देखिए यहाँ पे दो का एक हो गया जो मार्कर है। इसको अभी हम यहीं पे रखेंगे, इसको थोड़ी देर तक रखेंगे हम यहाँ पर जैसे हम बाकियों को रख रहे हैं। उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करना है, और यहाँ पर ये हमारे आगे के जो 10 फंदे हैं इनको हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है, इसी तरह से। पट्टी से पहले हमने यहाँ पे पट्टी को सीधा सीधा बुनना है, और पट्टी के बिल्कुल पहले जो दो फंदे हैं उनको हमने यहाँ पे घटाना है, दो का यहाँ पे एक करना है, और बाकी यहाँ पे इस तरह से हमने इनको बुन लेना है। तो अब हमने फिर से, अब हम फिर से यहीं से मुड़ जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे अभी तक ये दूसरी सिलाई जो है इसी को ही यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखेंगे। इसी सिलाई को हम थोड़ी देर तक इसी में रखेंगे, जब थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा फिर इस सामने वाली सिलाई के साथ ही बनना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां से ही हम मुड़ जाएंगे, और यहां से हम इनको इस तरह से इन फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुन के 10 को इसी तरह से सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन के खत्म कर लेंगे। अब यहाँ इस सिलाई में हमने कोई घटाई नहीं करनी, हर तीसरी सिलाई में हमने सब में रेगुलर कटिंग करनी है, सब में घटाई करनी है जो हमने अभी इस सिलाई में करी ना, तीसरी सिलाई में करी, ऐसे ही हमने हर तीसरी सिलाई में यहाँ पर फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो 10 फंदे हैं इनको हम इधर ही रखेंगे, मार्कर को ऐसे कर लेंगे, और अब हमने ना ये यहीं पर छोड़ देना है, और दूसरी सिलाई से यहाँ पे जो है बुनाई करना शुरू कर देंगे। उल्टी साइड पे हमारा डिजाइन, कोई डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही है हमारी। तो ये मैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर हम आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम फिर से ही बटन पट्टी के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फंदे जो है ना, उसके पहले वाला फंदा हमने यहाँ पे बुन लेना है, और ये जो लास्ट के दो फंदे हैं इनको हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है, और अब हमने यहीं से ही वापस मुड़ जाना है, इसी ऐसे करके इधर से ही वापस मुड़ जाएंगे। ये हमारा पीछे वाली जो बटन पट्टी है ना उसमें एक अलग से सिलाई लगाई हुई है मैंने, इसको हम इसी साइड पे अंदर की तरफ को ऐसे छोड़ देंगे, और अब हमने ये जो दो फंदे हैं इनको यहाँ पर बुन लेना है। ये थोड़ी देर तक ही मुश्किल लगेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ना फिर ठीक से बनने लग जाए। तो अब हमने इनको बुन लेना है, जो दो फंदे हमने यहाँ पर स्लिप किए हैं इनको जो स्किप किए हैं ना ऐसे, जिनको बिना बुने उतारा है इन दोनों को ऐसे सीधा बुन लेना है, और बाकी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है, धागा अपनी तरफ को करके ऐसे 8 फंदे उल्टे उल्टे बुन के खत्म करने हैं। 4 हो गए, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8 फंदे मैंने यहां पे बुन लिए, दो फंदे जो हैं उनको हमने सीधा बुना, उसके बाद 2, 4, 6, 8 और ये 10, 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के यहाँ पे हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे और बाकी फंदे, ये जो दो फंदे हैं इनको अब हमने यहाँ पे इस तरह से लेना है, और इनको बैक लूप से इस तरह से दो का एक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी रेगुलर कटिंग इस तरीके से चलेगी, ये जैसे ही आपके बटन पट्टी के फंदे खत्म होंगे उसके एकदम बाद जो दो फंदे आएंगे उनको एक साथ हमने बुनना है, घुमा के लेना है यहाँ पर, और बाकी फंदे वैसे ही बुने जाएंगे जैसे हम बुन रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसी तरह से सारा स्वेटर फ्रेंड्स बुनना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो साइड है हमारी, इस साइड हमारे बटन होल बनेंगे, तो ये आप जितनी दूरी पे बनाना चाहते हैं उतनी दूरी पे आप यहाँ पे बना सकते हैं। जो उल्टी उल्टी लाइनें आ रही है ना इनको आप काउंट कर लें, और एक बराबर लाइनें जो हैं यहाँ पे
यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 हुई हैं, तो अभी मैं थोड़ा और बना लेती हूँ, फिर बटन होल इसमें बनाऊँगी। और बाकी फंदे जो हैं उनको हमने उसी तरह से बनाते जाना है, रेगुलर कटिंग जो है वो करते जाना है, फंदे डिक्रीज करने हैं यहाँ पे। हर जो मार्कर लगाया है, थोड़ी देर तक मार्कर को लगा के रखें, जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक, और जब क्लियर होने लग जाएगा तब आप मार्कर को हटा सकते हैं। तो बाकी फंदे जो हैं उनको आपने इसी तरह से बनाते हुए जाना है, जैसे आपका डिज़ाइन चल रहा है उसी तरह से। और हर मार्कर के पास आपने फंदे यहाँ पे फंदे घटाने हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो ये बहुत सिंपल सी घटाई है, इसमें बहुत सिंपल से फंदे घटाए जा रहे हैं सिंपल तरीके से, जो कि बिगनर्स भी आसानी से इनको सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये थोड़ा बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इतना यहाँ पे बना लिया है। ये देखिए साइड पे जिस तरीके से ये पट्टी चली आ रही है, ये देखिए साइड से, और इसको मैंने इतना बना लिया है। अभी हम गले के काफ़ी पास पहुँच गए हैं इसके ऊपर से, इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो अब हमने ना अभी एक या दो सिलाइयाँ मेरी इसमें और घटाई की पड़ेंगी, जो हमने इसमें फंदे घटाने हैं, और इसमें हमने टोटल 80 फंदे ऊपर रखने हैं गले के लिए। वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि गले के लिए मैं यहाँ पे ऊपर 80 फंदे रखूँगी। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से घटाई की है, इसके साथ साथ यहाँ पे चल के ये गले की पट्टी के साथ साथ की हुई है, और यहाँ पे जो है ये रेगुलर कटिंग यहाँ पे करी हुई है हमने, ये आ रही है यहाँ पे सिंपल सिंपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया है उसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करी है। बाकी और भी बहुत सारी 3-4 तरह की रेगुलर कटिंग मेरे चैनल पे हैं, वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, और सेट बनाए हैं बच्चों के उनमें भी मैंने डाल रखी हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, या दूसरी तरह की देखनी है तो। लेकिन यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल ये बीच में मैंने इस तरह से रेगुलर कटिंग जो है वो करी है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी। तो अब हमने ना यहाँ पे एक या दो सिलाइयाँ मैं यहाँ पे घटाई की दूंगी, और उसके बाद काउंट करूँगी, तो इसमें मैं टोटल 80 फंदे ही रखूँगी ऊपर। आप चाहें तो एक दो फंदे और कम भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप 80 फंदे ही रखें तो बहुत हैं इसमें। और यहाँ पे सिलाइयाँ जो है, मैं अभी 10 नंबर सिलाइयों पे इसको बना रही हूँ, लेकिन ऊपर मैं यहाँ पे छोटी सिलाइयाँ यूज़ कर लूँगी, ताकि गले की जो है वो सफाई थोड़े अच्छी तरह से आए, क्योंकि गले की सिलाइयाँ थोड़ी बारीक लगा लेंगे ना तो अच्छी आएंगी। यानी यहाँ पे मैं 12 नंबर सिलाइयाँ जो है यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ ऊपर तक, और यहाँ पर मैंने बटन होल भी देखिए बना लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये। तो आप भी अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पे बटन होल जो है वो बना लीजिएगा। तो ये है, बाकी अब मैं इसको ऊपर कंप्लीट करूँगी, और गला जो है वो मैं ऊपर इसमें बॉर्डर जैसा भी बना सकते हैं, ऊपर गला जैसे नीचे बॉर्डर बनाया है इस तरह से भी बना सकते हैं, एक उल्टा एक सीधा, और यहाँ पे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हमने एक गार्टर स्टिच बनाई है, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ से भी आप गले को यहाँ फिनिश कर सकते हैं, दोनों तरह से ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम इसकी यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, जो ये छोटे मोटे धागे हैं साइड पे, इनको हम सिलाई में यूज़ करेंगे, और इनको सिलाई इसकी सिलाई जो है साइडों से ऐसे इस तरह से, ये आप देख लीजिए यहाँ पे ये धागा मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी, बीच में यहाँ पे धागे हैं, इनको भी हम सिलाई में ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इनको काटा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बड़ा था तो सिलाई में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक एक बार इसका दिखाती हूँ, और इसकी मैं आपको मेज़रमेंट भी बता दूंगी कि हमारा ये कितना बन के तैयार हुआ है पूरा स्वेटर, और ये कितने साल के बच्चे को हम इसको पहना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं, और आगे फिर मैं आपको बाद में इसका फाइनली मेज़रमेंट और फुल मेज़रमेंट आपको बताती हूँ। एक बात यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो पट्टी है देखिए, ये अगर आपको लगता है कि 10 फंदों की पट्टी जो है आपको यहाँ पे बड़ी लगती है, तो आप यहाँ पे 8 फंदों की पट्टी भी बना सकते हैं। और इसको देखिए, मैंने साइड से जो इस तरह से ये बनाया है, ये मैंने आपको सिखाया है उस पर कि किस तरह से हमने इसको बनाया यहाँ पर,
ये दो फंदे जो हैं उल्टी साइड पे हमने नहीं बनाने हैं, और सीधी साइड पे लास्ट वाले दो फंदे जो हैं आके बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से फिनिशिंग में आएगा ये साइड से, और यहाँ पे हमारी घटाई जो है वो इस साइड से हमारी घटाई जो है इसमें हो रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल बनाई है क्योंकि ये पट्टी नीचे ही आएगी, तो ये बिल्कुल सिंपल साइड से बनाई है। इसको मैंने साइड पे कोई राउंड नहीं बनाया, तो ये भी वैसे ही बनेगी। अगर आप दोनों को इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो दोनों को भी बना सकते हैं। और यहाँ पर घटाई जो है हमारी यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे चली है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था, जब हम इसकी घटाई स्टार्ट करने लगे थे ना, तब हमने यहाँ पे आपको बताया था। तो इसकी घटाई हमारी इस तरफ को है, यहाँ से है, और इसकी यहाँ से है, और बीच में हमने यहाँ पे बटन बटन होल जो है वो इसमें दे दिए हैं। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो अब हम इसका गला जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका मेज़रमेंट दूंगी और इसमें बटन वगैरह भी हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा स्वेटर जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया, और ये देखिए मैंने इसमें बटन भी लगा दिए हैं यहाँ पर, और ये हमारी बटन पट्टी जो है बिल्कुल रेडी हो के इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ये कि कैसा हमारा ये लग रहा है। और इसको हमने साइड से सारा स्टिच भी कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हमारा स्वेटर बन के रेडी हुआ है। और इसमें बटन फ्रेंड्स मैंने ये थोड़ा हाईलाइट करने के लिए बटन इस तरह के दिए हैं। अगर आपने सेम कलर के बटन लगाने हैं तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए हमारी ये यहाँ पे रेगुलर कटिंग हमारी इस तरह से है, और ये बाजू हमारी ऐसे बन के आई है। और इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमारा ये बन के रेडी हुआ है। और इसमें फ्रेंड्स मेरे पास लगी है 150 ग्राम वूल जो है वो लगी है, 150 ग्राम वूल जो है वो इसमें लगी है। और ये बेबी वूल है, इसको मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे यहाँ पे बनाया है। और अगर आप थोड़ी सी मोटी वूल ले रहे हैं तो वो आपकी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन ये बहुत बारीक वाली वूल थी जो डब्बे में आती है ना, वूल बेबी वूल आती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो हम लेते हैं, ये वो वाली वूल है। तो ये वूल मैंने इसमें जो है लगाई है, तो इसमें 150 ग्राम से इसका हो गया है। ये देखिए बैक साइड से हमारा इस तरह से दिखता है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे गले की शेप भी बहुत अच्छे तरीके से आई है, ये देखिए इस तरह से। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमारा बनके रेडी हुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो है यहाँ से गले की पट्टी से लेके अगर नापें तो इसकी लेंथ है हमारे पास 16.5 इंच ये है हमारे पास इस तरह से, और थोड़ा सा नीचे लेंगे तो ये यहाँ पे 15 इंच है। तो यहाँ पे 6 से 7 सिलाइयाँ मैंने इसकी डाली हुई हैं ऊपर, जो पर्ल की लाइनें हैं वो 6 लाइनें यहाँ पे डाली हुई हैं ऊपर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा भी बना सकते हैं, ये थोड़ा सा हाई नेक जैसा ऊपर को बन गया है। और ये यहाँ पे इसकी जो इसके नीचे की लेंथ है, यहाँ पे आर्म होल के नीचे है, ये है हमारा 9.5 इंच। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चेस्ट का है ये 10.5 और 11 के करीब की है यहाँ पे, और थोड़ा ये स्ट्रेचेबल भी है, मतलब बहुत बहुत लाइट स्वेटर है क्योंकि ज़्यादा हैवी वूल नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए जिस वूल को हम यूज़ करते हैं ये वो वाली वूल है फ्रेंड्स, इसमें मैंने लगाई है। ये देखिए 11 इंच के करीब करीब है ये, और जो आर्म है उसका है आर्म होल तक यहाँ पे 10 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा नीचे की लेंथ होगी उतना ही है, 16 इंच है ये ऊपर तक पूरा। तो ये इस तरह से हमारा बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और फ्रेंड्स जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और इस तरह से बहुत सारी वीडियो हैं, उसमें बहुत सारे सेट हैं बच्चों के जिनको आप देख सकते हैं, तो वो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो आप उनको ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।